Hi friends, welcome back to Update Yourself. Here I am Madhu and today we are going to talk about how to get fund for NGO. किसी भी NGO के लिए fund लेना एक बहुत ही बड़ी problem होती है, but अगर आपको process पता हो कि fund कैसे लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही easy काम हो सकता है, क्योंकि NGO start करना, NGO के लिए अच्छे thoughts आना, लोगों की social service करना बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए सबसे इनिशियल स्टेप जो है वो है फ़ंड। अगर फ़ंड नहीं है तो आप कैसे लोगों की सहायता कर पाएंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एक एनजीओ के मेंबर हैं तो आप कैसे अपने एनजीओ के लिए फ़ंड ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एनजीओ के लिए फ़ंड लेने के बहुत सारे बेज मिलियंस बेज है, बट यहाँ पर मैं सबको कंसाइज करके दो तरह से डिवाइड करूँगी। एक होता है इंडियन फ़ंड और एक होता है इंटरनेशनल फ़ंड। यहाँ पर मैंने आपको इंडियन फ़ंड इसलिए बोला क्योंकि मैं एक इंडिया में एनजीओ की बात कर रही हूँ। इंडियन फ़ंड वो फ़ंड होता है जो हम अपने इंडिया में एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं और इंडिया से ही वो पैसा हम लेते हैं, अपने ही देश में एनजीओ स्टार्ट किया, अपने ही देश से पैसा लिया और अपने ही एनजीओ को ग्रो किया, तो उसे कहते हैं इंडियन फंडिंग फॉर एनजीओ। इंडियन फंडिंग भी चार तरह से डिवाइड की गई है। एक होता है मेंबर फंडिंग, सेकंड पब्लिक फंडिंग, थर्ड गवर्नमेंट फंडिंग एंड फोर्थ सीएसआर फंडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेंबर फंडिंग। मेंबर फंडिंग, जब भी आप कोई एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स क्या करते हैं, इनिशियली कुछ कुछ पैसा लगा के, कुछ कुछ डोनेशन दे के और अपना एनजीओ स्टार्ट करते हैं। बट आपके एनजीओ में मेंबर्स कितने होंगे और वो कितना डोनेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एनजीओ डिपेंड करता है। पर यहाँ मेंबर फंडिंग से आपका एनजीओ इतना ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि इतना पैसा मेंबर्स नहीं कलेक्ट कर सकते। अब बात आती है पब्लिक फंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पब्लिक फ़ंड क्या होता है, पब्लिक क्यों देगी आपको पैसा और पब्लिक से पैसे आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए होता है पब्लिक फ़ंड, जब भी ऐसी पब्लिक जो लोगों की सहायता करना चाहती है लेकिन एनजीओ ओपन करना, रजिस्ट्रेशन कराना, मेंबर्स बनाना, फ़ंड इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। वो सिंपली अपने पैसों को लोगों की सहायता के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब ऐसे लोगों को आपके एनजीओ के बारे में पता लगता है तो वो खुद आपके पास आते हैं और आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं कि हमारे ये पैसे आप रख लो और आप इन लोगों की हेल्प करना, तो उसे कहते हैं पब्लिक फंडिंग। लेकिन पब्लिक फंडिंग आपको जब भी मिलेगी जब आपके एनजीओ के बारे में पब्लिक को पता हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर पब्लिक फ़ंड लेने के लिए ये है कि आपको अपना एनजीओ लोगों तक पहुँचाना है, उसके एड्स देने हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को देखकर ही लोग आपको फ़ंड देते हैं। एंड थर्ड है गवर्नमेंट। अब आपका अगर गवर्नमेंट से फ़ंड लेना है तो गवर्नमेंट भी एनजीओ के लिए फ़ंड देती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट दो तरह से फ़ंड देती है, एक होता है सेंट्रल फंड, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का फ़ंड। अब ये आपके एनजीओ पे डिपेंड करता है कि आपका एनजीओ किस लेवल का है। अगर वो सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फ़ंड देती है और अगर वो स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको फ़ंड देती है। गवर्नमेंट के फ़ंड लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एनजीओ दर्पण एक वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप ऐसी मिनिस्ट्री से जुड़ जाते हैं, उनसे अपने फ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एनजीओ को फ़ंड देने के लिए एक्टिव है। अब इसके बाद आता है सीएसआर फंड। सीएसआर को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें वो सारी कंपनियां, वेदर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और पीएसयू जितनी भी कंपनियां हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफ़िल करनी पड़ती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ये कंपनी एक्ट के अंदर है। इसमें यह है कि जितनी भी कंपनियाँ, वेदर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी भी हैं उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% सोशल एक्टिविटीज़ में देना होगा, यानी उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, वुमेंस वेलफेयर, हेल्थ वेलफेयर,
ऐसे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है जो कि सोशल डेवलपमेंट होते हैं, उनमें एक्सपेंस करना होगा। और ये इसीलिए रखा है गवर्नमेंट ने क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो जब भी कोई अपना प्रोडक्शन करती है तो उसका प्रॉफिट पूरा ले जाती है, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो इंडिया के आम पब्लिक को झेलने पड़ते हैं। जैसे कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उन्हें उसका 2% सोशल वेलफेयर में देना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कंपनी सोशल वेलफेयर में कैसे दे। तो जो कंपनियाँ डायरेक्ट सोशल वेलफेयर में अपना 2% दे देती हैं वो तो ठीक है, पर जो नहीं देती उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो किसी NGO के थ्रू सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो NGO को पैसे देती है और इसके लिए NGO यहाँ से फंडिंग ले सकते हैं। पर इसके लिए भी ये कंपनियाँ ऐसे ही NGO को पैसे देती है डेवलपमेंट करने के लिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्टिविटीज कर रही हो, एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स स्टेबलाइजेशन के हो चुके होते हैं जैसे NGO को उनको। अब यहाँ पर यह है कि ये कैसी कंपनियाँ हैं जो NGO में इन्वेस्ट करेगी। तो वो कंपनियाँ उसके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, उसके लिए 3 क्राइटेरिया फिक्स किए गए। एक है 500 करोड़ से ज़्यादा की जिस भी कंपनी की नेटवर्थ होगी उन्हें सोशल डेवलपमेंट के लिए 2% एक्सपेंस करना होगा। दूसरा, जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उन्हें भी सोशल एक्टिविटीज में अपना 2% एक्सपेंस करना होगा। इसके बाद है तीसरा, जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है उन्हें भी सोशल एक्टिविटीज में अपना 2% देना ही पड़ेगा। इस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा भी कंपनियां NGO में फंड देती है और ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें देना ही पड़ता है। इसके लिए वो खुद एक अच्छा NGO सर्च करती है क्योंकि उनके पास इतना टाइम या कुछ कंपनी डायरेक्ट सोशल डेवलपमेंट नहीं करती तो वो NGO के थ्रू करना चाहती है, इसीलिए वो खुद ऐसे NGO को सर्च करती है। और अगर आपके पास कोई ऐसा NGO हो जो बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको 2 या 3 साल से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन के हो चुके हैं, तो आप CSR फंड ले सकते हैं, आपका NGO एलिजिबल होगा। एंड ये था CSR फंडिंग। अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड वो होता है जिसमें आप आपके NGO के लिए बाहर से कोई फंड लेते हैं या आप किसी बाहर की कंट्री में जाके वहाँ सोशल डेवलपमेंट करते हैं या फंड इंडिया से लेते हैं, तो इस तरह से इसको बोलते हैं फॉरेन फंड, जो इंटरनेशनल NGO फंडिंग कहलाती है। और ये था पूरा आज के वीडियो का फंडिंग सिस्टम फॉर एन NGO। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।